नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल एस्ट्रो शास्त्र में। यहाँ दिए गए वीडियो में एक कथानक के माध्यम से बताया गया है कि ईश्वर किस तरह से संकेत देते हैं और किस तरह से उस पर अमल करके खुद को सावधान और सुरक्षित रखा जाता है। ईश्वर कभी भी खुद आकर आपकी रक्षा नहीं करते, वो किसी न किसी रूप में या किसी को माध्यम बनाकर आपकी सहायता या रक्षा करते हैं। एक नगर में एक संत अपना प्रवचन करने पहुंचे। नगरवासियों ने उन्हें उचित सम्मान दिया और उनके प्रवचन की व्यवस्था की। जब सब लोग इकट्ठे हो गए तो संत ने अपना प्रवचन शुरू किया। नगरवासियों से उन्होंने कहा, हमेशा ईश्वर में अपनी सच्ची आस्था बनाए रखो, ईश्वर हमेशा सबकी रक्षा करते हैं। एक शिष्य उनकी बातों पर तनिक हैरान होते हुए भी एक एक शब्द को अपने हृदय में उतार रहा था। प्रवचन सुनने के कुछ दिन बाद वह शिष्य किसी जंगल से गुजर रहा था, तभी एक आदमी सामने दौड़ता हुआ आया। वह चिल्ला रहा था, बचाओ पागल हाथी इधर आ रहा है, बचाओ पागल हाथी इधर आ रहा है। शिष्य ने मन ही मन संत के शब्द दोहराए कि ईश्वर हमेशा सबकी रक्षा करता है। इससे उसे अपने अंदर एक शक्ति का एहसास हुआ और वह बिना डरे आगे चल दिया। थोड़ी देर बाद सामने से पागल हाथी चिंघाड़ता हुआ आया और शिष्य को धक्का देता हुआ जंगल में दूसरी ओर भाग गया। शिष्य बाल बाल बच गया, पर उसे काफी चोट लगी। क्रोधित होकर वह संत के आश्रम जा पहुंचा। संत के सामने शिष्य ने अपनी शंका प्रकट की कि उसने ईश्वर में अपनी सच्ची आस्था बनाए रखी, लेकिन ईश्वर ने उसकी रक्षा नहीं की। उसकी शिकायत सुनकर संत ने उसे समझाते हुए कहा, ईश्वर ने तुम्हारी सच्ची आस्था का ध्यान रखकर ही तुम्हें चेतावनी देने के लिए एक रक्षक भेजा था, लेकिन तुम नहीं चेते और आगे बढ़ते चले गए। फिर भी पागल हाथी ने तुम्हें चोट पहुंचाकर ही छोड़ दिया। अगर वह चाहता तो तुम्हें कुचलता हुआ भी जा सकता था। ईश्वर में अपनी सच्ची आस्था रखो और उसके द्वारा समय समय पर दी जाने वाली चेतावनियों को भी समझने का प्रयास करो। वह सबकी रक्षा करता है, परंतु अगर सचेत नहीं रहोगे तो इसके गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं। दोस्तों, बुरा वक्त आने से पहले भगवान देते हैं 8 संकेत, चेत गए तो भला। हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है उसके पीछे प्राकृतिक हमें संकेत देती है। फर्क सिर्फ इस बात का है कि कुछ लोग इन संकेतों को समझ लेते हैं और कुछ लोग नहीं समझ पाते। हम आपको ऐसे 8 संकेतों के बारे में बताएंगे जिन्हें अगर आप सही समय पर समझ गए तो कभी भी आप बुरे वक्त में विचलित नहीं होंगे और आप कुछ उपायों द्वारा अपने बुरे वक्त को टाल भी सकते हैं। तो आइए जानते हैं वो 8 संकेत किस तरह के होते हैं। सिंदूर लगाते समय सुहागन की सिंदूर की डिबिया गिरना उसके पति के कारोबार के लिए बुरे समय का संकेत है। बे वक्त और बिना वजह दूध का फटना इस बात का संकेत है कि आपके घर में कोई बड़ा क्लेश होने वाला है या फिर जल्द ही कोई बड़ी बीमारी आने की आशंका है। बुरे सपनों का हर रोज आना इस बात का संकेत है कि घर में कोई क्लेश होने वाला है। इससे कारोबार मंदा होने के संकेत भी मिलते हैं। इन दोनों के साथ ही बुरे सपनों के बार बार आने पर ये परिवार के किसी सदस्य पर बड़ी मुसीबत आने की आशंका को भी पुष्ट करता है। आपके घर के आसपास या आपकी पाली हुई बिल्ली अगर अक्सर अलग अलग तरह की आवाज निकाल रही है और डर रही है तो समझिए कि आपके आसपास के परिवेश में कोई नकारात्मक ऊर्जा काम कर रही है जो किसी समस्या की वाहक हो सकती है। मंगलसूत्र का अचानक टूट जाना पति के जीवन पर आने वाले संकट का संकेत देता है। ऐसी स्थिति में पत्नी को तुलसी की पूजा करनी चाहिए। घर से निकलने पर आए दिन कहीं ना कहीं झगड़ा मारपीट देखने को मिले तो समझिए कि कोई क्लेश होगा या फिर आपसी रिश्तों में खटास आने की आशंका है। खाना खाते समय पहले निवाले का कड़वा लगना और दूसरे का सामान्य लगना इस बात का संकेत देता है कि आपके किसी रिश्तेदार के यहाँ से बुरी खबर आ सकती है। इतना ही नहीं, आपका कोई बनता हुआ रिश्ता भी बिगड़ सकता है। अगर कभी पूजा पाठ के दौरान पूजन थाली गिर जाती है तो समझिए कि आपसे देवगण दुष्ट हैं, इसलिए पूजन विधि में सुधार की जरूरत है। तो ये है दोस्तों, हमारा बुरा वक्त आने से पहले भगवान हमें 8 तरह के संकेत देते हैं। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करें ताकि और भी लोगों के पास ये जानकारी पहुंचाई जा सके। और साथ ही साथ दोस्तों, वास्तु शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र से संबंधित जानकारियों के लिए हमारे इस YouTube चैनल एस्ट्रो शास्त्र को आज ही सब्सक्राइब करें।
माता रानी आपके और आपके परिवार के ऊपर कृपा बनाए रखे। जय माता दी दोस्तों।